खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के ग्राम करोली में एक मां को टोने टोटके के कारण अपनी जान गंवानी पड़ गई। टोने टोटके की शंका ने एक बेटे को अपनी ही मां का हत्यारा बना दिया। महेश्वर तहसील के ग्राम करोली में 70 वर्षीय कलाबाई पर उसका बेटा नारायण टोने टोटके की शंका करता था और उसे ऐसी शंका थी कि उसकी माँ उसे मार देगी। इसी शंका में नारायण ने कलाबाई पर धारदार चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला पंजीबद्ध करके आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। हत्या की इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, ये जो करौली में घटना हुई है, किस प्रकार की घटना है? कल ग्राम करौली में शाम के समय एक बेटे ने अपनी माँ को चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी है। इसमें उसको कई बार शरीर में कई जगह चोटें आई है। उसको इलाज हेतु अस्पताल लाया गया। अस्पताल के लाते से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो सर, ये किस प्रकार की घटना है, क्या मामला है पूरा? ये जो लड़का है, इसकी माँ के ऊपर ये शंका करता था कि मेरी माँ जो आते हैं ना अपने देहात में बोलते हैं डाकन, कुछ टोना टोका करती है करके, उसको इस प्रकार की शंका है। और ये लग रहा था कि यदि मैं अपनी माँ को नहीं मारूँगा तो ये माँ मुझे रात में मार डालेगी। तो इसने अपने उसके शाम को चाकू से मार दिया। आरोपी का क्या नाम है सर? नारायण शर्मा। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी राउंड अप कर लिया है, जिसको कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। मामले में फोरेंसिक टीम या किसी ने और जांच करी है? हाँ, खरगोन से अपने फोरेंसिक टीम के अधिकारी श्री मकवाना साहब आए थे, जिन्होंने सुबह जाकर घटनास्थल का नक्शा मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आरोपी को कौन सी धारा के तहत गिरफ्तार किया गया? अभी गिरफ्तार नहीं किया, राउंड अप किया है, उसमें 302 कायमी की हमने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।